हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद AKS. सो आज के हमारे वर्ड्स ऑफ द डे हैं हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल. आपने कई बार ये दोनों वर्ड्स को यूज़ किया होगा या सुना तो ज़रूर होगा, पर क्या आपको इन दोनों का डिफरेंस पता है? आज के इस वीडियो में हम इन दोनों का डिफरेंस सीखेंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. हिस्टोरिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री एंड हैज़ अ लास्टिंग सिग्निफिकेंस. इसका मतलब ऐसे इवेंट्स या ऐसे पास्ट हिस्ट्री, एक हिस्ट्री कायम हो गई है जो अभी भी एज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट या एज एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट सेलिब्रेट किया जाता है या याद किया जाता है. सो ऐसे मोमेंट्स या ऐसे इवेंट्स, ऐसे पास्ट इवेंट्स को बोला जाता है हिस्टोरिक इवेंट्स या हिस्टोरिक मोमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, द मून लैंडिंग वॉज अ हिस्टोरिक इवेंट, राइट? सो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे कई मोमेंट्स हैं, पास्ट इवेंट्स हैं जिन्हें हम आज कहते हैं कि वो हिस्टोरिक थे, माने उनका एक नाम हुआ है. ऐसे सारे इवेंट्स को कहा जाता है हिस्टोरिक इवेंट्स. ऑन द कॉन्ट्रेरी, हिस्टोरिकल जो हमारा अगला वर्ड है, हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है? सो हिस्टोरिकल का मतलब भी है कि इट इज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री और इट इज़ रिलेटेड टू पास्ट इवेंट्स. बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल इज हिस्टोरिक रेफर्स टू इवेंट्स विच हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस एंड हिस्टोरिकल इवन इफ इट रिलेट्स टू द पास्ट इवेंट्स इट नीड नॉट हैव अ लास्टिंग सिग्निफिकेंस. फॉर एग्जाम्पल, शी लव्स टू रीड हिस्टोरिकल नॉवेल्स. जब कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट को डिस्क्राइब किया जाता है वहाँ हम यूज़ करेंगे हिस्टोरिक, और जब कोई भी पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब किया जाता है वहाँ हम यूज़ करेंगे हिस्टोरिकल. सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स विच रियली साउंड सिमिलर एंड विच हैव अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू, बट इवन देन दे बोथ आर वेरी डिफरेंट. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ क्विक क्विज. Please write your answers in the comments below. And next time when you use these two words, please do not interchange them. आपको मिलूंगी मैं एक और interesting pair of words के साथ.